नमस्कार मु कल्याणी आज आनी देश विदेश किछि बड़ बड़ खबर न्यूज देखिबा भितरे जदि आपनंकु आम न्यूज भल लगे ताहले आपण माने कोन करिवे आपण जानिछन्ति मते आउ कहिबाकु पड़िबो नाही तो चालंतु आज सकालर ताजा ताजा खबर देखिनेबा। खूब शीघ्र आपणक निकटस्थ औषध दोकान उपलब्ध हेबो कोविशील्ड कोवैक्सीन टीका। खूब शीघ्र बजार में उपलब्ध हेबो कोरोना टीका कोवैक्सीन और कोविशील्ड। भारतीय औषध महानियंत्रक खूब शीघ्र एहि दुईटी टीका को नियमित बजार अनुमति प्रदान करिवार संभावना रही। बजार में अर्थात औषध दोकान उभय कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकार मूल्य डोज पिछा 275 टंका रु अधिक हेबो नाही। एहा उपरे अतिरिक्त सर्विस चार्ज 150 टंका लागू हेबो। देशरे कोरोना टीकार उपलब्धता को आहुरी सुगम करिबाकु सरकार एही पदक्षेप नेबाकु जाउछंती। नियमित बजार अनुमति पई उभय सेरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक बहुदिन हेला दाबी करि आसुथले। गत वर्ष अक्टोबर 25 रे सेरम पक्षरु नियमित बजार अनुमति पई आवेदन करा जायथिला। परवर्ती हेला सीएमसी रो ठिका संस्था प्रीति 5 वर्ष रे 38,000 2 मास रे केमिति लागिवो 3.5 हजार। महानगर निगम 69 वार्ड रा समस्त अंचल को आलोकीकरण करिबा पई सीएमसी पक्षरु घरोई संस्था नीव को 5 वर्ष पई दायित्व दिया गला। गत वर्ष डिसेंबर रे एही समय सीमा शेष होइथिबा बेले निगम पक्षरु सानी टेंडर करिबा बदल रे निवर समय सीमा बढाइबा पई सरकार को चिट्ठी करा जायछि। समय मध्य रे काम शेष करि नथिबा संस्था को पुनर्बार अधिक समय देबा पछरे काहार स्वार्थ रहिछि ताहा एबे साधारण रे आलोचना हेउछि। कटक शहर रो सबु गलिकंदी को आलोकमय करिबा पई 2017 रे राज्य सरकार निष्पत्ति नेइथिले। एथिपाई शहर रो सबु विद्युत खुंटी रे पूर्वरु लागिथिबा सोडियम लाइट बदल रे एलईडी लगाइबा को योजना करागला। खुंटी रे एलईडी लगाइबा ओ एहरो मरामती पई नीव संस्था सहित सीएमसी 5 वर्ष पई चुक्ति करिला। परवर्ती टीहेला पंचायत निर्वाचन बिना प्रतिद्वंदिता रे निर्वाचित हेले 36,976 जन प्रार्थी। ओडिसा रे त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पई चूड़ान्त तालिका प्रकाश पाइछि। आसंता फेब्रुवारी 16 तारीख ठारु 5टी पर्याय रे मतदान हेबो। एथिपाई राज्यव्यापी नामांकन पत्र दाखल हो सारिबा परे चूड़ान्त प्रार्थी तालिका प्रकाश पाइछि। तेबे मतदान पूर्वरु 36,976 जन वार्ड मेंबर सरपंच पंचायत समिति सभ्य ओ जिल्ला परिषद सभ्य स्थानीय मतदाताक द्वारा निर्द्वंद्वरे निर्वाचित होइछन्ती। एथिरे 36,523 जन वार्ड मेंबर 126 जन सरपंच 326 जन पंचायत समिति सभ्य ओ जणे जिल्ला परिषद सभ्य अछन्ती। राज्य निर्वाचन कमिशनर सचिव गणमाध्यम को एही सूचना देइछन्। परवर्ती हेला भारतर बात्या राजधानी पश्चिमबंगर सुंदरबन ओडिशार केन्द्रापड़ा और बालेश्वर बात्या व्यवधान कम। पश्चिमबंगर सुंदरबन अंचल को देशर बात्या राजधानी भाव अभिहित करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग कारण एही अंचल सबुठारु बात्या प्रवण बोली एक अध्ययनरु जणा पड़िछि। उल्लेखनीय पश्चिमबंगर दक्षिण 24 परगना जिल्ला बारंबार सामुद्रिक बात्या द्वारा प्रभावित हेउथुबा भारतीय जिल्ला गुडीक मध्यरु अन्यतम एवं सुंदरबन रो बहुलांश एहार अंश विशेष। एथिसह सुंदरबन हेंतालबन एवं महाबल बाघमानक बासस्थान भाबे सुपरिचित। परवर्ती हेला केन्द्र बजेट पूर्वरु जनवरी 31 रे सर्वदलीय बैठक डाकिले संसदीय व्यापार मंत्री। फेब्रुवारी 1 तारीख दिन उपस्थापन हेबाकु थिबा केन्द्रीय बजेट पूर्वरु संसदीय व्यापार मंत्री प्रहलाद जोशी जनवरी 31 तारीख दिन सर्वदलीय बैठक डाकिछन्ती। ए संक्रांत जोशी लिखिथिबा पत्र रे उल्लेख अछि संसदर बजेट अधिवेशन आरंभ पूर्वरु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग एवं संसदीय व्यापार आलोचना निमन्ते उभय लोकसभा एवं राज्यसभा समस्त सदस्यंकु आमंत्रण करि मु आनंदित। उभय गृहर स्वाभाविक कार्य पई मु आपण मानंकु सहयोग लडुछि। एही बैठक 2022 जनवरी 31 तारिख दिन अपराह्न 3:00 वर्चुअल भाबे अनुष्ठित हेबो। ठिकणा समय रे बैठकर लिंक शेयर करा जिवो। आपण माने एही बैठक रे जोग निवेदन। चलित वर्ष पार्लियामेंट बजेट अधिवेशन प्रथमार्ध जनवरी 31 रु फेब्रुवारी 11 पर्यंत चलिबो। परवर्ती हेला स्वाभिमान अंचल रे बीएसएफ द्वारा बोट एम्बुलेंस सेवार शुभारंभ। मालकानगिरी स्वाभिमान अंचल रे बीएसएफ द्वारा बोट एम्बुलेंस सेवार शुभारंभ होइछि। 73तम साधारणतंत्र दिवस अवसर रे बीएसएफ डीआईजी संजय कुमार सिंह गुरुप्रिया सेतु निकटरे एहाकु उद्घाटन करिछन्ति। एही उत्सव रे राज्य सरकारक केतेक अधिकारी भी जोग देइथिले।
एठारे बहु संख्यक लोक भी उपस्थित थिले। चलित मास 30 तारिखर बालीमेला ड्याम रो उभय पार्श्वरे एही सेवा लागू करा जिवो। एहा फळरे 35 गाँव रो प्राय 10,000 लोक उपकृत हेबे बोली जणा जायछि। सप्ताहरे 7 दिन एही बोट एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हेबो। सेवा पय जोगाजोग नंबर बोट एम्बुलेंस रे प्रदर्शित हेबो बोली जणा जायछि। एणे सेवा विषय अवगत करबाकु बीएसएफ अधिकारी को टेलीफोन नंबर मध्य ग्रामवासी को दिया जिवो। परवर्ती हला टीपीसी ओडीएल रो व्हाट्सएप बिलिंग सेवा। टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड टीपीसी ओडीएल पक्षरु ग्राहक मानंकु एक सुविधाजनक सुरक्षित बिल पेमेंट अनुभूति प्रदान लागि व्हाट्सएप बिलिंग सेवा आरंभ करा जायछि। ग्राहक माने जेभले सहजरे व्हाट्सएप बिलिंग सेवा को सक्रिय करि परिबे सेथिपई कंपनी उभय ऑनलाइन ओ ऑफलाइन मोड रे विभिन्न विकल्प आरंभ करिछि। क्षेत्र स्तर रे कार्य करथुबा स्टाफ मानंक जरियारे ग्राहकंक अनुमति बा स्वीकृति हासिल लागि कंपनी एहार समस्त डिविजन रे प्रिंट करा जायथुबा स्वीकृति फॉर्म उपलब्ध कराइछि। ऑनलाइन व्यवहारकारी मानंक लागि समस्त बिल रे क्यूआर कोड व्हाट्सएप नंबर प्रिंट करा जायछि। एही सुविधा पाइबा लागि ग्राहकंक व्हाट्सएप नंबर 9937875999 को निज पंजीकृत मोबाइल नंबर हाय लेखि पठाइबाकु हेबो किंबा केवल क्यूआर कोड स्कैन करि एही सुविधा हासिल करि हेबो। परवर्ती हला साइबर ठकंक नुआ करामती। औषध डिस्ट्रीब्यूटर संस्था को 1.5 लाख चून मेडिकाया एंटरप्राइज संस्थारु शिल्पा शास्त्री कहुछि। भुवनेश्वर खोर्धा अंचल रे आम संस्थार बहुत चाहिदा अछि। औषध दोकानी आम कंपनी रो औषध ओ अन्यान्य उत्पाद नेबा पई चाहुछंती किंतु ओडिसा रे आमर कोनोसी आंचलिक डिस्ट्रीब्यूटर नथिबारु आमे उत्पाद गुडी को दोकानी को जोगाई पारुनाहु। आपणक संस्था एक भल औषध डिस्ट्रीब्यूटर संस्था बोली आमे अनुसंधान करी जानिबाकु पाइछु। तेनु आपण राजी हेले आम भितरे भागीदारीता होई पारिबो आ आपणक जरियारे आम ओडिसा रे व्यापार आरंभ करी पारिबो। एमिति व्यवसायिक फायदा देबार आळ देखाय साइबर ठक भुवनेश्वर एक औषध डिस्ट्रीब्यूटर संस्थार मालिकंकु 1.5 लाख टंकार चून मारिछि। ठकेर शिकार होइछन्ति नुआपल्ली नुआ साहिर नायक डिस्ट्रीब्यूटर सत्वाधिकारी रश्मि रंजन नायक। ए संपर्क रे से भुवनेश्वर साइबर सेल अर्थनैतिक अपराध शाखा ओ परे नुआपल्ली थाना रे अभियोग करिछंती। परवर्ती की हला कोविड रो केबे भी अंत हेबो नाही। राज्य रे पूर्णी बढ़ी कोरोना संक्रमित संख्या। राज्य रे संक्रमण स्थिति ने स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र कोविड रो केबे भी अंत हेबो नाही। वायरस रो गोटिए परे गोटिए वेरिएंट आसीबो कारण वायरस तार चरित्र बदलाई थाए। अल्फा परे डेल्टा ओ तार सब वेरिएंट आसिला तापरे ओमिक्रॉन एवं तार सब वेरिएंट आसी एमिति भी एबे होइथिबो अनेक नुआ वेरिएंट थिबो आमे जानि नथिबा। ओमिक्रॉन रो प्रभाव कमी गले हुए तो नुआ वेरिएंट आसी पारे। वर्तमान भी कोविड उपरे गवेषणा चली छि जेबे पैंडेमिक बा कोनोसी वेरिएंट खसे ताहा तळ उपर होइथाय। राज्य रे वर्तमान संक्रमण तळ उपर हेबारे लागि छि मात्र एथिपई आतंकित हेबार आवश्यकता नाही। परवर्ती हला साइबर ठकंकु प्री एक्टिवेट सिम बिक्री। तदंत पई ओडिसा आसीबो दिल्ली पुलिस। लोकंकु ठकिबा पई राजस्थान ओ झारखंड रो साइबर ठक माने व्यवहार करूथबा मोबाइल सिम गुडीको प्री एक्टिवेटेड बा पूर्वरु सक्रिय थाए। ओडिसा झारखंड ओ पश्चिमबंगरु एभळी पुळापुळा प्री एक्टिवेटेड सिम सेमानंक पाखकु जाउछि। ई खबर पाइबा परे नॉर्थ दिल्ली पुलिस ओडिसा समेत झारखंड ओ पश्चिमबंगकु तदंत लागि आसीबो। सेठाकार डीसीपी सागर सिंह कालसी एही सूचना देइछन्ते। सूचना अनुजाई किछि दिन तळे दिल्ली पुलिस झारखंड ओ राजस्थान रु 4 जण साइबर ठकंकु गिरफ करथिला। अभियुक्त माने केवाईसी अपडेट करिबा नारे उत्तर दिल्ली रा 10 जणक ठारु लक्षाधिक टंका ठकी नैथिले। अभियुक्त को गिरफ करिबा परे दिल्ली पुलिस सेमानक बैंक अकाउंट अचल करी लक्षे टंका कार 7टी मोबाइल 6टी सिम कार्ड 11टी एटीएम कार्ड ओ 3टी चेकबुक जब्त करथिला। परवर्ती हला महात्मा गांधी मार्ग रे 73 तम साधारणतंत्र दिवस पालित। मुख्यमंत्री कहिले उत्सव भितरे कोरोना स्थिति को भूली जीवा उचित नुहे। भुवनेश्वर महात्मा गांधी मार्ग रे राज्यस्तरीय परेड उत्सव रे उड़ीछे त्रिरंगा। पताका उत्तोलन करी अभिवादन ग्रहण करिछंती राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल। सम्मानित अतिथि भाबे जोग देइथिबा मुख्यमंत्री नवीन पटनायकंक वीडियो को नै बेस चर्चा होईछे। साधारणतंत्र दिवस रे मुख्यमंत्री वार्ता दे कहिछंती चलित वर्ष सारा देश स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति पालन करूछि। महान संग्रामी नेताजी सुभाष चंद्र बोसंक 125तम जयंती मध्ये चलित वर्षर गुरुत्वपूर्ण घटना। स्वाधीनता संग्राम केवल एक राजनैतिक संग्राम नथिला। आमर संग्राम केवल आम पई स्वाधीनता आणि नथिला। एहा थिला सारा विश्व पई मानवता
ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାପିଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ, ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ କରୋନାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ରାଜପଥରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଭାରତର ପରାକ୍ରମ, ଫର୍ଫର୍ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ବାୟୁସେନା ଦେଖାଇଲା ଦମଦାର ରଣକୌଶଳ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ରାଜପଥରେ ଦମ ଦେଖାଇଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାମିଲ ହେଲା ରାଫେଲ ଫାଇଟର ବିମାନ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବ୍ରଡର୍ସ ଆଇଭିୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିହାଙ୍ଗ ବଲକନ ସ୍ଥିତିରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଲୋକେ, ଏବଂ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ବିମାନର କକ୍ପିଟ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ରାଜ ପରିବାରରେ ରକ୍ତର ଛିଟା, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ କନିକା ରାଜାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ବୋହୂଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ପୁଅ ସାଜିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ। ରାଜ ପରିବାରରେ ରକ୍ତର ଛିଟା, କନିକା ରାଜାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ପରେଶ କୁମାରୀ ଭଞ୍ଜ ଦେବଙ୍କୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ଗୋପାଳ ଭଞ୍ଜ ଦେବ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତିନି ତିନି ଥର ବିବାହ ବିଫଳ ହେବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ ଗୋପାଳ, ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମା ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଏଥରର ବିବାଦରେ ଜହ୍ଲାଦ ସାଜିଥିଲା ପୁଅ। ରାଜ ପରିବାରରେ ରକ୍ତର ଛିଟା, ପୁଅ ସାଜିଲା ହତ୍ୟାକାରୀ, କନିକା ରାଜାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ପରେଶ କୁମାରୀ ଭଞ୍ଜଦେବ ଓ ଅଣନାତି ଗୋପାଳ ଭଞ୍ଜଦେବ। କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କନିକା ଛକ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ବିହାର କଲୋନୀରେ ରହୁଥିଲେ କନିକା ରାଜ ପରିବାରର ଏହି ଦୁଇ ଦାୟାଦ। ଦିନ ଥିଲା କନିକା ରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖ୍ୟାତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିଜେ ପୁଅ ମାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ର ବଡ଼ ଦାବି, ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛି, କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୂପ ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ହରଡ଼ ଘଣାରେ ପକାଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ କରୋନାର ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏଭଳି କିଛି ଦାବି କରିଛି ଆଇସିଏମ୍ଆର୍। ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ କହିଛି କି କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବଡି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ତାହା କରୋନାର ଅନ୍ୟ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବୀ ହେବ ଓ ସଂକ୍ରମିତ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଓମିକ୍ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନାର ଡେଲ୍ଟା ଭାରିଏଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଢିଙ୍କିଆରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବନି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପଦ ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ଜଗତସିଂହପୁରର ଢିଙ୍କିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚଳିତ ଥର ହେବନି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଉଭୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ 23 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପଦ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସିଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା, ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 126 ଜଣ ସରପଞ୍ଚ, ସେହିପରି ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 326 ଜଣ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଅମ୍ବାଭନା ବ୍ଲକ ଜୋନ୍ ନମ୍ବର 2ର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଳ୍ପନା ପ୍ରଧାନ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବିନା ଲଢ଼େଇରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି 36,523 ଜଣ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ଚାଷୀ, ପ୍ରଶାସନର ମନମାନି ଓ ମଣ୍ଡିରେ ମିଲରଙ୍କ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ବିରୋଧ, ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ଓ ସମସ୍ୟା, କେତେବେଳେ ଟୋକନ ତ କେତେବେଳେ ଦଲାଲଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁହାଁ କରୁଛି। ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 10-12 କିଲୋ ଧାନ କଟକୁ ବିରୋଧ କରି 19 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଶୀତ କାକରରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଚାଷୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୁଲିସ ରାତି ଅଧରେ ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଛନ୍ତି। ମିଲର ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି।